Welcome to the Sizzlers. Eat good to travel a lot. This channel is for foodies and travelers. आज की वीडियो है बिल्कुल मीठी मीठी सी रसमलाई, वो भी नॉर्मल वाली नहीं, ये है चॉकलेट रसमलाई। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चॉकलेट रसमलाई के लिए लेंगे हम 1 लीटर दूध एक बड़े पतीले में, ताकि हमें दूध को उबालने में आसानी हो। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाए, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर या सिरका, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आप देख रहे हैं दूध फटना शुरू हो चुका है, और दूध को फाड़ते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो रखें। फिर हम एक सूती का कपड़ा लेंगे, जिसमें पानी और छेना को अलग कर लेंगे। जब आप छेना डाल ले, फिर हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी, ताकि छेना बहुत ही सॉफ्ट रहे और इसमें मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि रसमलाई बनाते वक्त रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट चाहिए होंगी हमें। हाथ से दबाकर पानी निकाल ले और 15 मिनट के लिए इसे सिलबट्टा या किसी भारी सामान के नीचे रख देंगे। जो 15 मिनट बच रहे हैं उसे वेस्ट तो करना नहीं है हमें, इसलिए एक बर्तन में 2 कटोरी चीनी लेंगे और उसी कटोरी से 2 कटोरी पानी डालेंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे जैसे ही चीनी पानी में घुल जाए। छेना हमारा तैयार है। आप देख ही रहे हैं कि छेना बिल्कुल ही मुलायम बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको गूंद लेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए, दूसरी बार हम डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और इसे आटा जैसा गूंद लेंगे। अब हम ऐड कर रहे हैं 1.5 टीस्पून मिल्क पाउडर, ताकि कोको पाउडर की जो कड़वी टेस्ट है वो बिल्कुल भी रसमलाई में ना रहे। और जिनको चॉकलेट की कड़वी टेस्ट पसंद ना हो, उन्हें भी ये चॉकलेट रसमलाई अच्छी लगे। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसकी लोइयां बना लेंगे। और इसे शेप दे देंगे। आप चाहे तो इसे लंबा बना सकते हैं या गोलाकार। चिपटा टिक्की जैसा, आप जैसा खाना चाहे वैसा बना सकते हैं, क्योंकि खाना तो आप ही को है। दूध को बॉईल होने रख देंगे, जिसकी हम रबड़ी बनाएंगे। अब चाशनी में छेना बॉल्स को हम डाल देंगे। चाशनी को बॉईल होने देंगे। आप देख रहे हैं छेना बॉल्स कितने फुले फुले बने हैं। दूध जब उबलने लगे, हम डालेंगे चीनी 1/4 कप। आपको जितना मीठा पसंद आप उतना डाल सकते हैं। करछी चलाते हुए दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। फिर आप अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे बादाम, पिस्ता और काजू डाला है 1/4 कप, और डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर। आप हमारी तरह डायरेक्ट दूध में ना डालें, पहले कटोरी में थोड़ा दूध लें, उसमें डालकर इसके लम्स हटा दें, फिर आप उसे दूध में डालें। अब हम डाल रहे हैं इलायची का पाउडर। जब आपको लगे कि रबड़ी काफी हद तक ठीक हो चुकी है, आप इसमें छेना बॉल्स डाल दें। तैयार है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाली चॉकलेट रसमलाई।
आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए रेसिपी या एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द सिजलर्स। ईट गुड टू ट्रैवल अलॉट।